देन फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं जहां पहुंचना था वहां। कहां है बताऊं? दो मिनट जिंदगी में कुछ कमाना है तो महाकाल का दर्शन करना पड़ेगा। कितने घंटे से बैठे तेरी गाड़ी में? 20 घंटे हो गए हैं। हाँ, और मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, भी फर्स्ट टाइम था। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये मस्त लिखा है ना, एक कंडी वेयर उपलब्ध है। ये भी कुछ मस्त लिखा है। हम लोग आ कहाँ गए सभी समझ नहीं पड़ रहे, कहाँ कहाँ आते हैं भाई। कोई नहीं कोई नहीं, मस्त जगह है यहाँ। हम लोग तो आ गए और हर आदमी को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। महाकाल का बुलावा आता है तो जरूर आना चाहिए हर आदमी। भीड़ है भाई, इतना भीड़ की पूछो मत। टिकट हो गए नहीं, आप बोले ना कुछ। नहीं, मैं अभी नहीं जाना। अभी नहीं जाना है? तो नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं बताओ मेरे को। आप कहाँ जा रहे हो पहले बताओ। हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, वेयर इज प्लेस? कहाँ जा रहे हो? दिल्ली? सच में दिल्ली जा रहे हो? हाँ बोलो, हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हो बताओ ना। अच्छा, क्या करोगे वहाँ? घूमोगे? चल वे निकल। बस बस हर हर महादेव। तो अभी हम पहुंच गए हैं, एक्चुअली बताना नहीं है, थोड़ा देर में बताऊंगा कहाँ है हम लोग। देन ये आपका रेलवे स्टेशन का भीड़ मरी ये और कौन। देन फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं जहां पहुंचना था वहां। कहां है बताऊं? 2 मिनट। जय श्री महाकाल। अभी कहां है ये आप लोग को बता रहा हूं मैं। 2 मिनट रुको, सीढ़ी चढ़ने दो अभी। मेरे नौजवानों जल्दी चलो। जय महाकाल, जय महाकाल। अरे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, और कुछ जय शंभु। तो ये हम अभी उतर रहे हैं अपना रेलवे स्टेशन से। वैसे कहाँ तो अभी तक नहीं बताया ना। फिर आप बिलासपुर से हम चढ़े थे, और बिलासपुर से चढ़ने के बाद देन अभी हम पहुंच गए हैं आपका रेलवे स्टेशन। और कहाँ का है ये क्वेश्चन बार बार आपके माइंड में आ रहा होगा। तो बस मैं उस इमेज के पीछे अभी जा रहा हूँ जिस इमेज में डायरेक्ट नाम लिखा है इस जगह का। चलिए देखते हैं तो फिर आगे। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा ऑसम प्लेस। देन ये आपका जो भी दिख रहा है, पूरा ऑटो की लाइन लगी है अभी। चलिए तो आगे अभी दिखाते हैं। यहाँ पर से हमारे शिव शंभु जी की आरती का कुछ नज़ारा देखने को मिल जाएगा आपको। देन हम लोग अभी आए हैं 6 लोग, यहाँ दिख रहे हैं 4, और मैं बोल रहा हूँ उस जगह के 5, और ये आपका बंदा 1 है 6। तो देन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आते ही हो रही है यहाँ पर आरती। अब
यहाँ पर सोचा जा रहा है कि हमको जाना कहाँ है। एक्चुअल में गाड़ियों की भीड़ तो लगी है, लेकिन हमको अभी जाना कहाँ ये तो हमको पता नहीं। एक्चुअल में महादेव के पास ही रहना है। जिंदगी में कुछ कमाना है तो महाकाल का दर्शन करना पड़ेगा। लेते को बोल सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है कि पूछो मत। अब और हम कहाँ ये बताने वाला था ना, तो देखो ये पीछे लिखा है आपका बस के पीछे क्या लिखा है। हम लोग एक्चुअल में उज्जैन में, अभी तक मैं बताया नहीं था, तो ये है हम अभी उज्जैन में और बाकी तो व्यू अभी दिखने वाला है आपको। मौसम तो अच्छा है और लग रहा है मेरा मोबाइल भी सही हो गया। अभी एक्चुअल में जो क्वालिटी पहले दे रहा था वो नहीं दे पा रहा था, तो अभी वो मॉर्निंग का व्यू एंड मोबाइल का व्यू आई थिंक सब अच्छा मिल रहा है। तो चलिए आगे का और देखते हैं। उज्जैन में पैदल चलने की सवारी कुछ अलग ही होते हैं। अब मैं बता नहीं पाता उसको क्या बताओ। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हम लोग कितने घंटे से बैठे थे गाड़ी में, 20 घंटे हो गए हैं। हाँ और मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम था। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा और हम लोग कहाँ आए पहले बता दो। हम लोग आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में बाबा के दर्शन के लिए। ठीक ठीक। तो अभी हमारा चल रहा है पैदल यात्री। एक्चुअल में हमको पता नहीं हमको जाना कहाँ है, लेकिन यहाँ का लोकेशन देखकर आई थिंक यहाँ का जो नेचर व्यू इतना ही अलग ही फील हो रहा है कि हम बता नहीं पा रहे हैं। तो ये सब होटल है, तो हम लोग सबसे पहले ये सोचे कि आज पैदल ही थोड़ा सा घूमा जाए। एक्चुअल में हमको अभी रहना है महादेव है, तो महादेव के समीप ही रहना है हमको। हेलो, जय हर हर शंभु। तो ये क्या क्या लिखा है आप देख लीजिए, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा मंदिर कहाँ है आपको पूरा लोकेशन में दिख रहा है और मुझे भी जाना है आगे। चलिए आगे का देखते हैं। ये हो गया स्टॉपेज एंड ये दिख रहा है आपका बसेस की जो लाइनें हैं वो क्रॉस करना है। जल्दी चलो। भागो भागो। या नजारा तो कुछ अलग ही है भाई। ये महाकाल का दर्शन कम उज्जैन का दर्शन ज्यादा हो रहा है अभी। चलिए दर्शन करना है चाहे उज्जैन को। हम लोग जा रहे हैं होटल घूमने के लिए। हाँ। क्या बोलते पते? अभी देखेंगे होटल उटल। ये मस्त लिखा है ना, एक कंडी वेयर उपलब्ध है। ये भी कुछ मस्त लिखा है। हम लोग आ कहाँ गए सभी समझ नहीं पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ आते हैं भाई। कोई नहीं भाई, चोर से सावधान। ये हमारे नौजवान सर अभी निकल रहे एक्चुअल में ड्यूटी पे और हम लोग भी अभी नौजवान निकल रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। हर हर शंभो हर हर महादेव करते हुए, क्योंकि कहते हैं ना भक्ति करने से। गणेश मंदिर छूट गया था मेरा और यहाँ पर अभी हमारा सेवा ग्रुप, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शायद मंदिर वगैरह भी है, मुझे पता नहीं है। ये मंदिर है, रास्ते का व्यू तो कुछ ऐसा है। चलिए आगे का और व्यू देखते हैं। तो हमारे बड़े भैया का तीसरे टाइम है, तो ये हमको इस बार घुमाने वाले हैं और देख लो सामने क्या क्या लिखा है। और यहाँ हमको जाना है एक्चुअल में राम मंदिर, श्री गणेश मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर और ये जो है। तो अभी तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल हमें मेन मंदिर का दर्शन करना है। तो यहाँ पर देखो ये रहा आपका जाम। चलो यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी है मुझे जितना पता है मैं उतना बता पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। ये हमारे बटालियन भैया लोग आगे दिख रहे हैं आप लोग को।
यहाँ पर भी। अरे ये आपका मध्य प्रदेश एमपी में है एक्चुअली में, उज्जैन जो है, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस में आएगा आपका ये सबके। और सामने और कुछ छोटा सा और मंदिर है, तो उसको भी मैं दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि रास्ते पे से अब मिल रहा है मेरे को, तो रास्ते भी मिल रहा है, तो सबको दिखाना मेरा काम रहता है। ये आपका मध्य प्रदेश पुलिस, ये आपका मंदिर, जय दरवाजे का व्यू देख सकते हो, जितना भी बन रहा है फिल्म में हो सकता है मुझे अभी एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो को ज़्यादा आने वाला है इस बार, ट्राई रहेगा कि सबको बेस्ट दे पाऊँ जितना हो सके। यहाँ पर कुछ भी लेना हो तो अवेलेबल है आपके लिए ये सारा चीज़, जब भी आना चाहते हो आ सकते हो। और यहाँ तो रास्ता ये कितने फिट का है मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन अच्छा दिख रहा है। कुछ अलग ही है सुकून, महादेव की नगरी में आकर एक अलग ही सुकून हो रहा है, और महादेव के देखने के बाद तो और बहुत सुकून होगा। फिलहाल तो अभी हम थक चुके हैं, तो अभी रूम के लिए हमें रूम के पास ही जाना पड़ेगा, मतलब जहाँ पर महादेव है तो वहीं पर हम रूम ढूंढ रहे हैं, उसके हिसाब से अभी रूम के लिए हम निकल रहे हैं। 500 मीटर लगभग हम चल चुके हैं, अभी और चलना है हमें 1 किलोमीटर, उसके बाद ही हम अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे। चलिए आगे का और देखते थे, धन्यवाद भोलेनाथ, क्योंकि आपकी कृपा से हो सकता है आज मेरा मोबाइल सही हो रहा है, एक्चुअल में कैमरा सही हो गया क्वालिटी, तो इसके लिए एक धन्यवाद तो बनता है। और यहाँ तो व्यू देखकर कुछ अलग ही फील हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, अंदर से जो एक अनुभूति होती है ना वो वाली। ये आपका कुछ फूलों का एक स्पेशली, अच्छा ठीक ठीक, यहाँ पर इसका सजावट आप देख सकते हो, ये कुछ अलग ही लोकेशन है। और यहाँ पतंगों का कुछ अलग ही है महत्व, मेरे को उतना पता नहीं, क्योंकि अभी पता करते हैं हम किस रीज़न से क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको सभी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा बता पाऊँ। क्योंकि सबको एक ही चीज़ की तलाश है, वो है महादेव की दर्शन, लेकिन पहले तो सभी थक चुके हैं, और थक चुके हैं तो पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, फिर हमको महादेव के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये है इधर और रास्ता, कुछ हाँ किसको 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 गाइड लगा हमारे का। अच्छा अच्छा ये इसके बारे में, अब ये हमारे बड़े भैया है, तो बड़े भैया के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में 3 साल घूम चुके हैं, तो मैं ज़्यादातर इन्हीं से पूछने वाला हूँ इस बार क्या क्या होगा यहाँ पर, कौन सा मंदिर फेमस है और कौन सा नहीं, इसके बारे में। अभी भैया जा रहे हैं, ये भी थक चुके हैं, क्योंकि हम लोगों का लगभग कितने घंटे का, 24 घंटे का था ना, 25 घंटे का था हम लोगों का ट्रिप, तो सभी थक चुके हैं, और इतने सारे बैग और सब ये सब पकड़ के ना थोड़ा सा थकान हो रहा है, जैसे वो कंप्लीट होता है आई थिंक, तो उसके बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा है। ये मीरा गेट हाउस, ये श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग, अगर आप यहाँ आ गए तो यहाँ एक मार्ग है, यहाँ से आप जा सकते हो, और इधर जाना कहाँ है अभी डिसाइड करते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, प्रभु के गुण गाए जा, ये जिंदगी महाकाल की तू गीत यही गाए जा, जय शंभु। ऑनलाइन हमारे अभी हम थोड़ी दूर और आ गए आगे, और वो आपका दिख रहा है फिर से श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग, हमको यहीं आगे जाना है, तो ये सामने दिखा रहा है रोड, सिख
सर गेस्ट हाउस, यहाँ नहीं जाना है आपको, चलो यहाँ से आपका लेफ्ट लेना है, यहाँ पर दिखा आपका अंतिका, अंतिका रेस्टोरेंट, तो यहाँ ये वाला मार्ग आपको निकालेगा आगे, तो यही मार्ग से आपको निकलना है सीधे, और यहाँ पर आपका प्राचीन बाल हनुमान का मंदिर है, तो इसके आगे ही निकलना है हमको। तो अभी हम महाकालेश्वर मंदिर के थोड़ी दूर में हैं, सामने एक झंडा है, कम से कम हमारी दूरी 200 मीटर है उससे, तो हम महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। एक्चुअल में हमको अभी जाना नहीं है महाकालेश्वर मंदिर, हमको बस उनसे थोड़ी दूर में हमको एक्चुअल उससे थोड़ी दूर में ही रहना है, तो अभी मैं आस पास ही रूम लेने वाले हम, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए वो अब सामने बस कुछ ही दूरी महादेव के दर्शन के लिए। हेलो, हाँ पहुँच गया। सुन ना, 1% चार्जिंग है, मैं चार्जिंग चढ़ाने के बाद कॉल करूँगा, और कॉल मत करना अभी बीच में। हाँ, उसी के लिए बताने के लिए था, अब भी जस्ट पहुँच रहे हैं हम लोग। हाँ अरे अभी पहुँचे हैं, बस इधर अब रूम ढूंढ रहे हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में ये वाला रूम जो सामने दिख रहा है, पता नहीं कुछ लोग आए थे यहाँ से, तो यहाँ से हमको पड़ा था 2000 रुपये ये सामने का, और बाकी अभी मैं ढूंढने वाला हूँ कितना कितना रूम का रेट है और क्या है वगैरह वाला। अरे अब दिक्कत आपको? नहीं भाई, ये हमारे तबला मास्टर एक्चुअल में ये भी बिजी है, अभी मेरे को रूम कहाँ चाहिए, मैं रहूँगा कहाँ बोल के भी सोच रहा है ये। सब बिजी है अभी। हाँ? कुछ खाने का सामान यहाँ पर मिल रहा है, और ये सारा अभी रूम ढूंढने के चक्कर में हम लोग का हालत खराब है, देखते हैं क्या होता है, रूम मिलता है या नहीं आई थिंक। चलो देखते हैं अभी, यहाँ पर 3 रूट है, 1, 2, 3, जाना कहाँ पता नहीं अभी। से आगे अभी हम निकल रहे हैं, ये उज्जैन महादेव मंदिर। अरे वो सब जगह है, तो लोग पहले समझ लें मेरे भाई। तो और जाना है, अभी और जाना है आगे। चल मैं इधर वो उधर, विश्वनाथ कलेक्शन, श्री महाकाल। हाँ देखते हैं आगे और क्या हमारा। कहाँ है भाई सब? यहाँ जान दे। भंवर गंगा भी नहीं है। यहीं पर रुक, आगे देख रहे हैं अभी हम। तुम
कहाँ पर मिलने हैं पता नहीं। दुर्गेश कितना दूर? मोहल्ले में चले हम रूम देख रहे हैं, यहाँ आगे बोल रहे हैं। रूम का भी जुगाड़ कर रहे हैं, तो जहाँ पर मिलता है उसके हिसाब से हम देखते हैं। यहाँ तक चल ठीक है, वापस आते तो उधर आते उधर से घूम के आते ठीक है। दे बस बस चल चल ठीक है, उधर से पहले आते हैं बात करते हैं उधर जाते हैं। हां चल ठीक। कितना बोले इसे तो हम लोगों को अभी रूम मिल गए हैं, देखते हैं अब उसके हिसाब से क्या है हम लोगों का। अरे तो वो भाई से वो सो ही नहीं आएगा, चल तू आजा बाहर यार, भैया घूम के आके सुन ना। हां चल तो किधर जाना है, चल चल ही ना, चल तू हां दे हो तो काफी कर ही नहीं है, दे 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 ला पर वही नहीं होगा सबके लगे ये रहे। अरे वो प्रूफ रही थे वो पता है, अरे ना हो ये रूम है ना, चलो ठीक है। नहीं ये रहने दे, ये हम लोग का सब पर हो जाएगा, बहुत है यहाँ पर फुल देते हैं नहाने, तो वो क्या रहा है आना किधर जाना है अभी, ये महाकालेश्वर के जैसे सामने एक नदी है, हम लोग वहीं जा रहे हैं नहाने, राम घाट जा रहे हैं नहाने। तो आगे का व्यू और ही मज़ेदार है, उसका भी आनंद लीजिए। ये पीछे का व्यू है, यहाँ पर हम लोग खाने वाले हैं अभी, कुछ नहा के भी अभी नहीं नहाए, नहा के खाने वाले हैं, चलते आगे अभी। ये आपका पीछे इतना भीड़ हो रहा है, ये सामने का व्यू भाई कुछ अलग ही लेवल का लग रहा है अभी। दुकानों की पूरी रैली लगी है अभी यहाँ पर, ये पूरा शटर डाउन है। अलग ही लेवल है अभी, सुकून भी है। जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव। जाना किधर है? नदी जाना, कहाँ जाना? नदी जाना, नदी। धन्यवाद, धन्यवाद। नदी नहाने जाना चल भाई। तो अभी व्यू कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ भी कुछ खाना तो देख 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 भाई, रोड पतला, ऊपर से यहाँ पर चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। देखो ये पूरा देसी स्टाइल अभी चल रहा है हम लोग का,
बस अभी हम पहुंचने वाले हैं नदी, ऊपर कुछ लिखा है। जाना कहाँ भाई? धन्यवाद धन्यवाद। तो ये है आगे राम घाट, कौन सा घाट है अभी देखते हैं। जैस करें, जैस मेरी। रुकना, अरे रुक, यहाँ पर हो रहा है लाइव। ना 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 ना, अभी नहाने जा रहे हैं। अरे बाप रे, इतना भीड़। अरे रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ। अरे जल्दी भागने लगी भाई, देख के ना पूरा टीका लगा लगा बोर्ड देख नहीं तो बोल। भीड़ है भाई, इतना भीड़ की पूछो मत, ये अलग ही लेवल का। चलना हो रहा है मुश्किल, भीड़ इतना है कि पूछो मत। मोबाइल पकड़ूँ या चलूँ, दोनों को एडजस्ट करने से देखना पड़ रहा है भाई। चल 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 चल, मैं अभी रास्ता थोड़ा खाली हुआ लेकिन भीड़ तो पूछो मत। अरे मंदिर के वो पार है जी से। अरे बाबा तबाही भीड़। तेती नहाना है का? नहाने के लिए किधर जाना है भाई? अरे देख किधर जा रहे हैं, जल्दी देखो। ये आपका बड़े गणेश का मंदिर, बड़ा गणेश का मंदिर, जो कि अभी मैं नहीं जाने वाला हूँ, जब जाऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा। कि हम लोगों का 2-3 दिन का ट्रिप है तो ये सारे चीज़ हम देने वाले हैं एक साथ। भीड़ तो पूछो मत, जैन महाकाल आया और यहाँ पर भीड़ न देखे तो ऐसा हो गया। अरे नहाना किधर है भाई? अरे दीदी हेलो हीरो, अभी हम निकल रहे राम घाट। कितना किलोमीटर है मेरे को भी पता नहीं। आ जाइए दीदी,
तो ये हमारे नागा बाबा जो कि बहुत ही मान्यता रहते हैं इनकी। और ये भीड़ देखो, बोलने की जरूरत नहीं कि भीड़ यहाँ का कैसा है। और हर एक चीज में महादेव का सामान जो आपको देखने को मिल रहा है वो तो पूछो ही मत। ऐसे ड्रेस में अगर घूमने का तो अलग ही मजा है। बरसात लेके जाना भैया, 50 का एक टिकट है। तो हमारे भोकू भाई अभी चल रहे हैं आगे आगे और हम चल रहे हैं पीछे पीछे, बाकी और लोग हैं हमारे साथ। व्यू तो यार देखते ही बन रहा है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअल में बोलना क्या है, बस दिखा रहा हूँ क्योंकि जितना बोलूँगा उतना कम है। क्योंकि हम जो हैं यहीं पर तो जाना है क्या? चलना था राम पूछना तो फिर कहाँ पर है भाई? और जाना पड़ेगा ठीक है। गाना गाना दादा अभी समझ नहीं आ रहा है हम लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन ये सामने में कुछ दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वेशभूषा देखिए इनका, नहा नहीं है यार, नहाने ही जा रहे हैं। पैसा देता इसका को, ये देख सकते हो पढ़ लीजिए श्री महाकाल प्रवेश। अरे नहाना कहाँ वाला सीधा मीटर का पता नहीं, हम लोग 2 किलोमीटर चल ले चल चल पूछ ले पहले नहाना पहले होगा घुमा रिबो राम घाट इधर है, इधर और रोड है, यहाँ से और है, इधर और है। मतलब अभी मैं खड़ा था वो आपका तिगड्डा चौगड्डा बनेगा, तिगड्डा बनेगा एक तरफ, तीन राहों वाला यहाँ पर है सामने। यहाँ का व्यू कुछ अलग ही हो रहा है, हम पहुँच चुके हैं नहाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं।
बस थोड़ी देर में हूँ, सारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, वो भी थोड़ा सा रेस्ट करना है, बाकी तो देखते हैं, अभी नहा लेते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। ये लो यहाँ पर दिख रहा है आपको कहाँ जाना है, दंता खाड़ा भूमि माता, तो वहाँ जा सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये लो दंता खाड़ा भूमि माता, तो आप वहाँ जा सकते हो। एंड उज्जैन रेलवे स्टेशन और स्नान घाट, स्नान घाट यहाँ पर मिल गया। ये क्या है नहीं पता मेरे को भी, बस यही ना स्नान घाट। स्नान घाट कहाँ जाना है भाई, राम घाट स्नान घाट कौन सा है? काल भैरव, यहाँ पर आते ही काल भैरव का दर्शन हो रहे अभी। कहाँ है भाई राम घाट, राम घाट और आगे भाई। अब सुबह बोला था देखते, सुबह आते हालत खराब हो जाए, मैं वही बोला था। राम घाट, ये राम घाट अभी हम पहुंच गए। हम लोग तो आ गए, और हर आदमी को यहाँ एक बार ना एक बार ज़रूर आना चाहिए। महाकाल का बुलावा आता है तो ज़रूर आना चाहिए हर आदमी को। बिना बुलावा कर लिया कुछ ना कुछ दिखेगा संकेत, मैं खुद नहीं पता रही से, लेकिन हम पहुँच गए। हाँ आते ही आते विकट हो गए गुरु साहिब।